Good morning students. In our previous video, we have studied about division as repeated subtraction. And today we are going to learn our second concept of division. And the concept is division using the number line. जैसे कि देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा है division as repeated subtraction. Division repeated subtraction से कैसे किया जाता है, और आज हमें देखना है division using the number line. नंबर लाइन पर आपको डिवीजन कैसे इंडिकेट करना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर मैथ्स वर्कबुक एंड ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 124 एंड लुक ऑन इट. जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर डिवीजन यूजिंग द नंबर लाइन, यह कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है. जैसे कि लेट अस फाइंड 15 / 3 यूजिंग द नंबर लाइन. यहाँ पर आपको 15 को 3 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर नंबर लाइन पर आपको वह इंडिकेट करना है. वी एक्चुअली हैव टू फाइंड हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 15. सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि 15 आने के लिए थ्रीज को कितने टाइम काउंट किया जाता है. सो जैसे कि देखो, यह जो नंबर होता है इसे डिवाइजर कहते हैं, और यह हुआ डिविडेंड. मतलब यह नंबर आपको 3 का टेबल 15 आने तक आपको बोलना है. जैसे कि देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखी थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड से आपको यहाँ पर यह नंबर इंडिकेट करने हैं. जैसे कि देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है 15 से. सो यहाँ पर 15 से स्टार्टिंग, देन 15 - 3, क्योंकि टेबल कौन सा बोलना है हमें, 3 का, इसलिए 15 में से 3 निकाले हमने यहाँ पर. क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि डिवीजन जो है वह रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए यहाँ पर हम यह एग्जांपल रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड से छुड़ा रहे हैं. सो यहाँ पर 15 - 3 कितने बाकी बचते हैं, 12. सो फर्स्ट स्टेप हमारी स्टार्ट होती है 15 से लेकर स्टार्ट होकर 12 पर यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है. देन 12 - 3 9, मीन्स 12 से 3 जाने के बाद 9 बाकी बचते हैं. यह हुआ हमारा सेकेंड जम्प. देन 9 - 3 कितने होते हैं, 6. देन हमारा फोर्थ स्टेप शुरू होता है 6 - 3 में से 3 जाने के बाद बाकी कितने बचते हैं, 3. सो 6 से लेकर स्टार्ट कर आपको यहाँ पर 3 पर रुकना है. और लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर होती है 3 - 3, और आंसर क्या आता है बच्चों, 0. जैसे कि 3 - 3 0. इस प्रकार आपको डिवीजन जो है वह नंबर लाइन पर आपको ऐसे इंडिकेट करना है. जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस प्रकार आपको ऑर्डिनल नंबर से यहाँ पर इंडिकेट करना है. सो एग्जांपल हमने कैसे छुड़ाया, 15 - 3 12 12 - 3 9 9 - 3 6 6 - 3 3 and 3 - 3 is 0. इस प्रकार आपको यह नंबर जो है वह इंडिकेट इस नंबर लाइन पर करने हैं. जैसे कि देखो बच्चों, इस प्रकार आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे कि डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन, यहाँ पर नीचे के जो एग्जांपल है वह आपको नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है, डिवाइड करके नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है. जैसे कि आपको दिया है 25 / 5, मतलब यहाँ पर 5 का टेबल आपको 25 आने तक बोलना है. सो हमें काउंट कैसे करते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25, मतलब 5 का टेबल हमने कितने टाइम बोला, 5 टाइम. मींस यहां पर आपको जंप कितने टाइम करनी है, 5 टाइम, और वो भी 5 से आपको जंप करनी है. जैसे कि देखो बच्चों, 25 - 5 20, वेरी गुड. 20 - 5 15, 15 - 5 10, 10 - 5 5, एंड 5 - 5 is 0. सो यहाँ पर आपको 5 टाइम जंप करना है. सो वी विल राइट हियर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इस प्रकार आपको नीचे के जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वह इस प्रकार आपको छुड़ाने हैं. जैसे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से जिस प्रकार आपने एग्जांपल छुड़ाए थे, उसी प्रकार यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड यूजिंग करके आपको नीचे जो एग्जांपल दिए हैं वह इस प्रकार छुड़ाने हैं. देन स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 125, और यहाँ पे देखो बच्चों,
125 पर आपको कुछ डिवीजन फैक्ट्स दिए हैं। जैसे वी नो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। जैसे कि 12 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है 3। और जैसे कि देखो बच्चों, इसी एग्जांपल को आपको लॉन्ग मेथड से अगर छुड़ाना है तो आपको इस एग्जांपल को ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 4। जैसे कि देखो बच्चों, अभी इसको छुड़ाना कैसे है, 4 का टेबल 12 आने तक आपको बोलना है। सो काउंट 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12। सो वी विल राइट हियर 3 एंड 12। सो यहां पर आपको 4 थ्री जा 12 और 12 में से 12 आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। मींस यहां पर आपको क्वेश्चन क्या मिला, 3 मिला। डिवाइजर क्या है 4 एंड डिविडेंड क्या है 12। इस प्रकार आप लॉन्ग मेथड से भी इस एग्जांपल को छुड़ा सकते हो। देन देखो बच्चों, यहां पर फैक्ट्स दिए हैं। जैसे कि फैक्ट नंबर 1, डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, डिवीजन जो है वह मल्टीप्लिकेशन से अपोजिट होता है। जैसे कि देखो बच्चों, यहां पर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18। यहां पर देखो बच्चों, 6 का टेबल आपको 3 टाइम बोलना है, 6 3 जा 18। देन 18 डिवाइडेड बाय 3। अभी यहां पर देखो बच्चों, 18 को आपको 3 से डिवाइड करना है। जैसे कि देखो बच्चों, कैसे 3 6 जा 18, मतलब 3 का टेबल आपको 6 टाइम बोलना है। यहां पर भी आपने 3 का टेबल 6 टाइम बोला था, लेकिन यहां पर 3 6 जा आंसर क्या आया था 18। यह हुआ मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल, यह आपको ध्यान में रखना है। देन यहां पर दिया है हमें डिवीजन का एग्जाम्पल। यहां पर हमने इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहां पर क्या करना है, इस 18 को 3 से डिवाइड करना है। सो डिवाइड करते वक्त आप 3 का टेबल 18 आने तक आपको बोलना है। सो काउंट करना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। सो वी विल राइट हियर 6। मीन्स हमारा आंसर क्या आया 6। यहां पर 6 हुआ क्वेश्चन। देन देखो बच्चों, 18 डिवाइडेड बाय 6। यहां पर पहले डिवाइजर था 3, लेकिन यहां पर इसी 18 को, इसी डिविडेंड को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलता है, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। इस प्रकार डिवीजन और डिवीजन जो है वह मल्टीप्लिकेशन से अपोजिट होता है, यह इससे हमें इंडिकेट होता है। देन सेकंड फैक्ट दिया है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी ऑलवेज गेट द नंबर इटसेल्फ एज क्वेश्चन। जैसे कि देखो बच्चों, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही क्वेश्चन आता है, वही डिविडेंड आंसर आता है। जैसे कि देखो बच्चों, यहां पर 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 को हमने 1 से डिवाइड किया, जैसे कि 1 5 जा 5। सो यहां पर क्वेश्चन क्या मिला हमें, 5, और डिविडेंड भी क्या है 5, मतलब यह सेम रहता है। जैसे कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी ऑलवेज गेट द नंबर इटसेल्फ एज क्वेश्चन। अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिविडेंड होता है वही हमें क्वेश्चन मिलता है, यह आपको ध्यान में रखना है। देन फैक्ट 3 दिया है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी ऑलवेज गेट 1 एज क्वेश्चन। जैसे कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं हम, तब आंसर 1 आता है। क्वेश्चन क्या आता है, 1 आता है, क्वेश्चन को ही आंसर कहा जाता है। जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 6, लॉन्ग मेथड से हमें इस प्रकार लिखना है, 6 डिवाइडेड बाय 6। इस एग्जांपल को आपको छुड़ाना है। जैसे कि 6 1 जा 6, 6 आने के लिए 6 का टेबल कितने टाइम बोलना पड़ता है, 1 टाइम। सो वी विल राइट हियर 1, 6 1 जा 6। मींस हमारा फैक्ट क्या था, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी ऑलवेज गेट 1 एज क्वेश्चन। किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से
डिवाइड करते हो तो आंसर वन आता है, क्वेश्चन वन आता है इस प्रकार। देन फैक्ट नंबर फोर है, व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर वी ऑलवेज गेट जीरो एज क्वेश्चन। किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन हमें जीरो ही मिलता है, जैसे कि थ्री डिवाइडेड बाय जीरो, यहां पर एक एग्जांपल दिया है आपको, जैसे कि जीरो वन जा जीरो जीरो जीरो, जीरो का टेबल आप जीरो आने तक ही बोलना पड़ता है, क्योंकि यहां पर देखो डिविडेंड जो है वह थ्री है और वह थ्री जो है वह डिवाइजर से ग्रेटर है, इसीलिए हमें यहां पर हम वन टाइम टेबल बोल सकते हैं क्या? नहीं। सो वी विल राइट हियर जीरो 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 इस प्रकार। सो थ्री माइनस जीरो थ्री, मतलब व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर वी ऑलवेज गेट जीरो एज क्वेश्चन। किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन जीरो ही आता है। यह यहां पर हमने फोर फैक्ट्स देखे है और उन फोर फैक्ट्स पर, डिवीजन के जो फोर फैक्ट्स थे उस पर आधारित यहां पर आपको एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, 16 डिवाइडेड बाय 1, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? वही डिविडेंड, मींस यहां पर आंसर क्या आया है, क्वेश्चन क्या आया है? 16। देन 0 डिवाइडेड बाय 23, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है? जीरो आता है। सो वी विल राइट हियर जीरो। देन तीसरा फैक्ट हमने देखा था, क्या था हमारा तीसरा फैक्ट डिवीजन का? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी ऑलवेज गेट वन एज क्वेश्चन। किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमें वन मिलता है। सो 16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1। देन फोर्थ एग्जांपल इज गिवन हियर, 8 डिवाइडेड बाय 1 8 को आपको 1 से डिवाइड करना है। जैसे कि देखो बच्चों, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमें वही डिविडेंड का जो नंबर होता है वही नंबर मिलता है। इस प्रकार बच्चों, जो हमने यहां पर फोर डिवीजन के फैक्ट्स देखे थे उस पर आधारित यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, वही एग्जांपल आपको यहाँ पर छुड़ाने हैं। जैसे कि 24 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 24, देन 15 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल टू 1। इस प्रकार जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं डिवीजन फैक्ट्स पर आधारित, वह एग्जांपल आपको आपके वर्कबुक में केयरफुली छुड़ाने हैं। Then students, open your workbook page number 126 and look on it. Write two division facts for each of the following. One is done for you. यहाँ पर division के two facts आपको लिखने हैं, जैसे कि एक example करके दिया है, 5 × 8 equal to 40. 5 × 8 = 40. जैसे कि पहला facts दिया है, इस 14 को पहले हमने इस 5 से divide किया, जैसे कि 14 divided by 5. 5 का टेबल 40 आने तक बोलना है, जैसे कि 5 × 8 = 40। यहाँ पर क्वेश्चन हमें कौन सा मिला? 8। इसी 14 को, इसी आंसर को सेकंड टाइम क्या किया? इस सेकंड नंबर से डिवाइड किया। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है? 8। जैसे कि 14 डिवाइडेड बाय 8, 8 × 5 = 40 इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पर डिविजन फैक्ट जो है, जैसे कि 5 × 8 = 40, यहाँ पर पहले नंबर से जब हम इस आंसर को डिवाइड किया तो नंबर मिला हमें, क्वेश्चन मिला 8, और इसी नंबर को जब हमने सेकंड टाइम 8 से डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन मिला 5। इसी प्रकार यहाँ पर आपको डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है हमें, 4 × 5 या 4 × 5, 4 का टेबल 5 टाइम बोलो, 4 × 5 = 20। अभी इस 20 आंसर को पहले हमें इस 4 से डिवाइड करना है, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 4, देन इसी 20 को, इसी डिविडेंड को आपको 5 से डिवाइड करना है, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 5 इस प्रकार। अभी इसको आपको छुड़ाना है, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 का टेबल 20 आने तक बोलना है। जैसे कि हमें कितने टाइम टेबल बोलना पड़ता है? 4 × 5 = 20। सो वी विल राइट हियर 5। देन
20 डिवाइडेड बाय 5, जैसे कि 20 और यहाँ पर सेकंड नंबर था, डिजिट था 5, सो यहाँ पर यह इस नंबर से आपको डिवाइड करना है, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 20 आने तक आपको बोलना है, जैसे कि 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, देन 5 फोर जा 20, सो वी विल राइट हियर 4। इस प्रकार आपको बच्चों दोनों नंबर से नीचे दिए हुए नंबर को आपको डिवाइड करके डिविजन फैक्ट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। जो क्वेश्चन जो आता है वह आपको क्वेश्चन जो है वह आपको यहाँ पर इस बॉक्स में पहले डिवाइड करके दोनों नंबर से आपको पहले यहाँ पर दोनों नंबर से इस डिविडेंड को यह जो आपको डिविडेंड दिए है इनको दोनों नंबर से डिवाइड करके जो आपको डिविजन के फैक्ट्स या क्वेश्चन मिलते हैं वह आपको आंसर के तौर पर यहाँ पर वह क्वेश्चन या आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, सबको समझ में आया ना बच्चों? सो इस प्रकार आपको पेज नंबर 126 पर जो एग्जांपल दिए हैं वह आपको इसी प्रकार छुड़ाने हैं। थैंक यू।